नवी मुंबई से अनुपमा चंद्रा जुड़ती हुई। अनुपमा हाय, गुड आफ्टरनून मैम, आप क्या करते हो मैम? मैं एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म चलाती हूँ। आई एम अ को-फाउंडर फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग फर्म। डिजिटल मार्केटिंग फर्म, इसको स्टार्टअप कहेंगे क्या? 7 साल हो गए तो अब स्टार्टअप नहीं है। राजेश सर, ऐसा ये स्टार्टअप किसको कहते हैं किसको नहीं कहते हैं यार? मैं तो बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। जिसका मन जैसा, अगर वैल्यूएशंस कमांड करने तो स्टार्टअप हो गया, नहीं तो फिर ब्रेक एंड मोर्टार माने। कैसे मानते हैं स्टार्टअप को? ये आप मुझे पूछ रहे हैं क्या? मेरे हिसाब से आपका सवाल बहुत जायज है। हाँ। कि ब्रिक एंड मोर्टार मान लो या फंड रेजिंग करनी हो तो स्टार्टअप का नाम दे दो, वीसी का नाम दे दो। बट चक्कर ये है कि इस वक्त लोग स्टार्टअप कहने से कतराने लगे हैं। खास करके मैंने देखा है कई स्टार्टअप्स को बंद होते हुए या साइज में श्रिंक होते हुए, तब से लोगों ने स्टार्टअप वर्ड यूज करना थोड़ा कम कर दिया। पर डिजिटल मार्केटिंग तो अच्छा, अनुपमा वो तो स्पेस अच्छा कर रही होगी, है ना? आई एम श्योर। ठीक है, अनुपमा क्या क्वेरी है? टाटा स्टील ऑलरेडी लिया हुआ है क्या मैम आपने? मैं इन्वेस्टिंग करती नहीं हूँ। 1 month पहले मुझे लगा कि करना चाहिए, बिकॉज न्यूज में बहुत आ रहा था कि लोज बन रहे हैं एंड ऑल दैट। तो 2 weeks पहले मैंने अराउंड 3 lakhs ऑफ माई सेविंग्स मैंने डाल दी, जिसमें आई हैव टू क्वेश्चंस एक्चुअली। वन इज मैंने टाटा स्टील का 30 shares लिया है 843 पे। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, कोई ऐसा कुछ नहीं कि ट्रेडिंग वेडिंग कम बनता है ना? लॉन्ग टर्म। और टाटा जब आप नहीं करते थे, 1 महीने पहले आपके पास सेविंग आई, बाजार गिर रहा था, सुना था तो लगा दिया। टाटा स्टील क्यों चुना था मैम? बिकॉज इट इज, मतलब स्टील सेक्टर में इट इज सपोज टू बी द बेस्ट, तो मल्टीप्लाई बाय 0 नहीं होगा एट एनी पॉइंट। ये आइडिया किसने दिया था? कपल ऑफ बुक्स वगैरह बीच बीच में पढ़ते रहती हूँ। 0 तो नहीं होगा भाई, लेकिन 850 के ऊपर कितना जाएगा राजेश सर, ये बताओ आप। स्टील साइकिल का मेटल साइकिल तो थी बढ़िया, मूव अच्छा है, अभी इस समय करेक्शन के फेज में चला गया। हालांकि अनुपमा लॉन्ग टर्म के लिए हैं, इनकी बाइंग से 30-40 रुपए ऊपर ये इस समय चल रहा है। टाटा स्टील रख लूँ ना? देखिए, समय की पाबंदी ना हो तो बिल्कुल रख लें। स्टील साइकिल जैसे कि कमोडिटी साइकिल के अक्सर होता है कि कुछ वक्त अच्छा चलता है, कुछ वक्त थोड़ा डल चलता है। तो एक स्टील साइकिल जो उछाल पे था वो पिछले दिनों खत्म हो गया है, लेकिन जैसे जैसे चाइना में लॉकडाउन वगैरह खुलने की जो खबरें आ रही है उसके बाद मुझे लगता है उछाल देखने मिलेगा। कल भी मैनेजमेंट की जो मीटिंग हुई है उसमें ऐसे अनाउंसमेंट आए कि डेट रिडक्शन पे इनका बहुत फोकस रहेगा। हालांकि इन्होंने क्लियरली कहा है कि 0 डेट नहीं होंगे। दूसरे डोमेस्टिक मार्केट में ही एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। कंपनी बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे है और वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ती है। मैं समझता हूँ ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म में रख लिया मैंने। राइट सर, मैंने अभी अभी शुरू करा, 3 लाख रुपए डाले, मुझे थोड़ी सेफ्टी भी चाहिए। ये टाटा स्टील सही बेट था उसके लिए या दिग्गजों में कोई और सेक्टर, कोई और स्टॉक ज्यादा बेहतर हो सकता है? अभी हाथ से निकला नहीं है, अभी तो मेरे प्रॉफिट में। चाहोगे आप ऐसा स्विच करने को कॉल दोगे तो मैं कर लूंगा। देखिए, अगर आपका 2 साल का नजरिया हो, मैं कहूंगा स्विच कर लीजिए रिलायंस, ITC या स्टेट बैंक में। अनुपमा, मेरा पूछने का मतलब यही था, ये साइक्लिकल थोड़े से रिस्क हो जाते हैं हम न्यू टाइमर्स के लिए, हम है ना। तो ये आपकी कॉल होगी, लेकिन अगर कंफर्ट थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो कोई क्या क्या बोला है, रिलायंस, स्टेट बैंक और ITC, ये 3 दिग्गजों की बात राजेश सर। रिलायंस, ITC, SBI। तो चाहे आपका मन करे तो, या जिनसे आपने कंसल्ट पहले किया था उनसे भी बात कर सकते हैं, ये एक और तरीका हो सकता है।